मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने फ्रिज की क्लीनिंग। देखिए मैंने कैसा भर के रखा है। जैसे मैं पॉलिथीन में सब्जी लाती हूँ वैसे ही मैं अंदर डाल देती हूँ फ्रिज में, और फ्रिज का कवर एंड ऑल कुछ भी मैंने क्लीन नहीं किया था। तो ये सभी मैं आप लोग के साथ में क्लीन करी। और एक्चुअली मैं क्लीन करने का एक और रीज़न भी है क्योंकि इसमें मैंने दही गिर गया था, और एक एक प्लेट ऊपर गिरेगा तो वो तीनों नीचे लग गया, पूरा फ्रिज में ही दही दही हो गया था। इसलिए मैंने साफ़ किया और दही एकदम से सूख सा गया था। अभी देखो मैं ये वाला प्लेट निकालूंगी ना तो आपको दिखेगा, ये देखो साइड में है, राइट साइड कॉर्नर में। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं क्लीन कर ही देती हूँ। और सॉरी, और यहाँ पे मैं जितने भी सब्जी वगैरह थे सबको निकाल दी थी बाहर, और मैं बाहर ले जा कर के क्लीन करूँगी क्योंकि स्पेस है नहीं, नहीं तो मुझे यहाँ वॉश बेसिन में क्लीन करना पड़ता किचन में। इससे अच्छा है मैं बाहर ही क्लीन कर रही हूँ धूप में, और फिर वहीं पे मैं बाहर में ही रख दूँगी सूखने के लिए भी। और उस दिन का ही ये व्लॉग है, तो इसके आगे बहुत सारा व्लॉग मैंने डाला बट ये वाला मैं जब डिलीट कर रही थी तो मेरे को दिखा, मैंने कहा ओ गॉड इसको तो मैंने एडिट ही नहीं किया, तो फिर मैं ये एडिट भी कर रही हूँ, अभी करके डाल दे रही हूँ ये वीडियो भी। और एक है ना सीढ़ी के पास में एक ऐसे ही नल लगा हुआ है जहाँ से पानी वगैरह लेकर के बाहर साफ़ करने के लिए, तो मैं यहाँ पे ही साफ़ कर रही हूँ रैदर देन स्लैब पे, क्योंकि स्लैब पे आई थिंक धोने में नहीं बनता है ये तो बास्केट। तो फिर अच्छा है कि मैं यहाँ पे ही अच्छे से क्लीन कर लूँ। और क्लीन करने के लिए मैं नॉर्मल जो ये बर्तन साफ़ करने वाला जो पाउडर होता है ना मैं वही यूज़ कर रही हूँ, वही वाला बार यूज़ कर रही हूँ, उसी से कर रही हूँ मैं। और पूरा दही लगा हुआ था, बाकी ये फ्रिज तो मेरा बिल्कुल नया था अभी, लेकिन दही लगने की वजह से वो थोड़ा सा स्मेल भी आ जाता है ना, तो वो सभी मैं क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ देखेंगे इतनी अच्छी धूप आती है मेरे घर के सामने, इतनी अच्छी धूप आती है। और यहाँ पे मैं ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के छोड़ दे रही हूँ सभी प्लेस पे, ताकि वो ना जो आपको दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद दही तो वो थोड़ा सा गीला हो जाए और हटाने में मुझे आसानी हो। और मैं बस रनिंग वाटर से ही क्लीन किए जा रही हूँ ताकि जल्दी से क्लीन हो जाए, क्योंकि थोड़ा संभल के ना साफ़ करने पड़ता है ये सबको, कि हाँ से छूट गया तो टूटने का भी डर रहता है। एक्चुअली कांच नहीं होता है ये, क्या बोलते कचकरा बोलते हैं ना, आई थिंक वही होता है, लगता है बिल्कुल एकदम कांच जैसा है ना देखिए, और हेवी भी है। तो फिर मैंने भी इसे भी क्लीन कर लिया है क्योंकि सॉरी क्योंकि जब से फ्रीज आया है तो मैंने घर चेंज किया, घर चेंज करते ही मैं वन मंथ भी नहीं रही थी दिन चली गई थी घर, जब मेरे बाबू का 2 साल का, फिर मेरा बाबू जब अभी 5 साल का हुआ है तो मैं वापस आई हूँ, मतलब 4.5 साल का तो मैं वापस आई हूँ, तो 5 तो अभी कंप्लीट हुआ है, तब मैं वापस अभी मैं क्लीन कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, क्योंकि तब नया का नया ही रह गया था तो यूज़ करने से गंदा तो हो ही जाता है ना गाइस। और ये सभी क्लीनिंग एंड ऑल अभी मेरा चल ही रहा है, अभी बहुत सारा क्लीनिंग है जो बचा हुआ है। अभी मैंने ये ऊपर के जो ड्रॉल होते हैं ना वो सभी मैंने क्लीन किया ही नहीं है, अभी ओपन ही नहीं किया है, तो वन बाय वन करूँगी आप लोग के साथ में ही क्लीनिंग करूँगी, सभी ब्लॉग डालूँगी गाइस। आई होप कि आप पसंद करोगे मेरा ये